अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फरोज जलील और मैं आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बैकयार्ड चिकन के हवाले से एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम उनके मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियोज़ की हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज हम जिस मौजू पर बात करने चाह रहे हैं वो है कि हमने कैसे अपना बैकयार्ड फ्लॉक जो है एक सस्टेनेबल और सक्सेसफुल बैकयार्ड फ्लॉक जो है रेज़ करना है। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो है वो चिकन्स एक लंबे अरसे तक मौजूद रहें और आपको फ़्रेश एग्स और जो फ्रेश मीट है उसकी सप्लाई आपको मुसलसल मिलती रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ बातों का ख्याल रखें और कुछ स्टेप्स को फॉलो करें, ताकि आपकी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी कॉस्ट है वो भी मिनिमम रहे और आपकी जो आपका जो फ्लॉक है वो सस्टेनेबल भी हो और कामयाब भी हो। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपने एक सस्टेनेबल फ्लॉक कैसे रेज़ करना है। आगे बढ़ने से पहले हम देख लें कि सस्टेनेबल क्या चीज़ होती है। सस्टेनेबल बहुत सारे लोगों के लिए शायद एक डिफरेंट वर्ड हो, मुश्किल वर्ड हो। तो सस्टेनेबल से मुराद ये है कि लंबे अरसे के लिए काबिले अमल जो है ना, आपने कोई काम करना हो तो उसको आप सस्टेनेबल कहते हैं। अब काबिले अमल जो है वो हर लिहाज से होना चाहिए, वो आपके फाइनेंशियल लिहाज से भी काबिले अमल होना चाहिए, वो आपकी अदरवाइज जो है वो बाकी मामलात में, जैसे आपने कहाँ रखने हैं चिकन्स, उनको लंबे अरसे तक आपने रखना है, तो वो सारी चीज़ों को आपने देखना है कि ये फॉर द लॉन्ग टर्म आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं या नहीं। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और देखते हैं कि कैसे हम एक सस्टेनेबल और सक्सेसफुल फ्लॉक रेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि जो पहला काम आपने करना है, जो पहला स्टेप है एक सस्टेनेबल फ्लॉक को रेज करने में, वो ये है कि आपने एक अच्छी ब्रीड का इंतखाब करना है। यूँ तो चिकन्स की बेशुमार ब्रीड्स मौजूद हैं और आप बहुत सारी ब्रीड से फेमिलियर भी होंगे, लेकिन एक अच्छी ब्रीड से मुराद वो ब्रीड है जो आपके लोकल एरिया में, लोकल क्लाइमेट में अच्छा परफॉर्म करे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लोकल एरिया में कौन सी ब्रीड अच्छी परफॉर्म करती है। उसमें आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, एक कि आपके जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स हैं आपके एरिया में वो कहाँ तक जाते हैं, उनका आपको आइडिया होना चाहिए। और फिर आपने देखना है कि कौन सी ब्रीड है जो इन टेम्परेचर्स में सर्वाइव कर सकती है, ह्यूमिडिटी लेवल। फिर ये कि आपने अपने जो फ्लॉक है उसको रखना कैसे है। अगर तो आपने उनको पॉस्चर रेस्ड रखना है, मतलब आप उनको ग्रीन एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जो पॉस्चर पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं बनिस्बत जो है क्लोज्ड एरिया के। और अगर आपने बंद रखना है फुल टाइम, तो फिर जो है ना कुछ और ब्रीड्स हैं जो बंद एरिया में अच्छा परफॉर्म करती हैं। इस हवाले से हम एक कंप्लीट जो है ना गाइड भी इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप वहाँ जाके अपने एरिया के हिसाब से सर्च करके देख सकते हैं कि कौन सी ब्रीड आपको सूट करेगी। उसके अलावा आप अपने एरिया के जो पहले से कोई एक्सपीरियंस जो हैं चिकन ओनर्स हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, उनसे मशवरा कर सकते हैं और वो आपको बता देंगे कि कौन सी चिकन ब्रीड जो है वो आपके एरिया को सूट करती है। दूसरे नंबर पे जो काम आपने करना है कि अगर आपने लंबे अरसे तक चिकन्स रखने हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म आपने उनसे अंडे हासिल करने हैं, तो फिर आपको उनके लिए एक प्रॉपर हाउसिंग या शेल्टर जो है ना वो तामीर करना है। अब हाउसिंग और शेल्टर जो है वो नॉर्मली जो है मुख्तलिफ किस्म के हमारे घरों में पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर बैकयार्ड चिकन जहाँ पे जो रूरल एरिया में है, तो बहुत पुराने जो सेटअप है वो डिफरेंट तरह का होता है। एक इकट्ठी छोटी सी कोठरी बना के उसमें बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन वो सेटअप इसलिए कामयाब रहता है कि आप उनको चिकन्स को ओपन स्पेस दे रहे होते हैं, वो दिन भर जो है बाहर घूमते हैं। लेकिन अगर आपके चिकन दिन भर बंद रहते हैं, तो फिर आपको ये जो है ना यकीनी बनाना है कि उनको प्रॉपर हवा, पानी और सारी चीज़ें जो है ना वो दिन को मिलें, बहुत ज़्यादा धूप ना हो, बहुत ज़्यादा साए में ना रहें। तो इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जब आप इनके लिए शेल्टर या जो है ना बैकयार्ड चिकन कूप बना रहे हों। तो ये चीज़ें आप प्रॉपरली जो है ना रिसर्च करके पहले आप उसको देखें कि आपके एरिया के हिसाब से चिकन्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उनको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, और उस हिसाब से फिर आपने उनकी हाउसिंग सेलेक्ट करनी। जैसा कि आप जानते हैं कि एक लंबे अरसे तक एक सेहतमंद फ्लॉक जो है पालने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको अच्छी खुराक दें, और ख़ुराक में आपकी क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए वो डिटेल हम आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। इंटरनेट पे बेशुमार जो है वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस हैं जो आपको घर में फीड बनाने के बड़े आसान से तरीके बता देते हैं। हमने भी इस हवाले से बात की है, जो कि ऑलरेडी आपके डिस्क्रिप्शन में यहाँ मौजूद है वीडियो।
काइंडली उसको देखें। और उस आप जो है ना, अगर आप लंबे अरसे तक प्लानिंग कर रहे हैं तो उनकी जो डाइट है उसका ज़रूर ख्याल रखें। नाज़रीन, जो सबसे अहम काम आपने करना है एक सस्टेनेबल फ्लॉक पालने के लिए, वो ये है कि आपने ये जो है यकीनी बनाना है कि आपके चिकन्स रिप्रोड्यूस करें। मतलब आपने अपने चिकन्स की ब्रीडिंग करवानी है, मतलब बजाय इसके कि आप हर साल जो है वो नेसेरे से मार्केट में जाएं और चिकन्स खरीद के लाएं। उसमें बहुत सारी कबातें भी हैं जिनका जिक्र हम एक और वीडियो में कर चुके हैं बायोसेफ्टी के हवाले से, कि आप जब नए चूज़े या चिकन अपने फ्लॉक में शामिल करते हैं तो वो अपने साथ नई बीमारियाँ भी लेके आते हैं। तो अगर आप लंबे अरसे तक प्लानिंग कर रहे हैं चूज़े रखने की या चिकन्स रखने की, तो आप बेहतर है कि आप उन चिकन्स की ब्रीडिंग की तरफ जाएं और ये कोशिश करें कि आप वहीं उनको रिप्रोड्यूस करवाएं, ताकि बाहर से जो है वो नए चिकन्स आपको शामिल ना करने। ब्रीडिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आप इनक्यूबेटर इस्तेमाल करें। बहुत सारे जो है वो इनक्यूबेटर्स मार्केट में दस्तयाब हैं, उनमें कुछ तो बिल्कुल सिंपल हैं और बहुत सस्ते भी हैं जो मिल जाते हैं, और कुछ सोफिस्टिकेटेड और ऑटोमेटेड किस्म के हैं जो ज़्यादा जो है सक्सेसफुल हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है मुर्गियों की बहुत सारी अच्छी ब्रीड्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से अपने चिक्स को रेज करती हैं, जिनमें जो सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड करूँगा मैं, वो जो असील मुर्गी हमारे पास है, हमारी लोकल ब्रीड है। असील मुर्गी अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह उनकी केयर करती है, उनको प्रेडेटर्स से भी बचाती है जो उसके हमलावर हैं मुख्तलिफ किस्म के, और उसके अलावा जो है उनकी जो है सेफ्टी को जो है यकीनी बनाती है। और वो जो है मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ब्रीड है अगर आपने चिकन्स को ब्रीड करवाना है एक नेचुरल तरीके से। तो उस हवाले से आपने सबसे पहले ये है कि एक प्रॉपर आपने, अगर आप ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं किसी मखसूस नस्ल की, किसी मखसूस जो है वो ब्रीड की आप आगे जो है मल्टीप्लिकेशन करवाना चाह रहे हैं, तो आपने ये करना है कि उस ब्रीड को अलग कर दें बाकी अपने चिकन्स से। अगर आप सब चिकन्स को एक ही जगह पे इकट्ठे रख देते हैं तो फिर उसमें ये आपको कंफर्म नहीं होगा कि कौन सी ब्रीड किसके साथ क्रॉस हो रही है, और फिर उससे जो आपकी नई नस्ल आएगी वो हाइब्रिड ब्रीड होगी, कोई प्योर ब्रीड नहीं होगी। और अगर आप प्योर ब्रीड और किसी मखसूस ब्रीड की जो है वो आगे मल्टीप्लिकेशन करवाना चाह रहे हैं, तो आपने ये करना है कि उस ब्रीड को अलग बंद रखें, और बंद इस तरह रखना है आपने कि उसको आपने कम से कम 15 डेज़ का टाइम देना है। पहले 15 दिन आपने उसको बंद रखना है, और 15 दिन के दौरान जो आपको अंडे हासिल हों वो आपने मतलब इस्तेमाल कर लेने हैं, उनको स्टोर नहीं करना। और 15 दिन के बाद जाके इकट्ठे रहने के 15 दिन के बाद जो अंडे आपको हासिल हों उनको आपने स्टोर करना है ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए। और स्टोरेज के हवाले से आपने ये मेक श्योर करना है कि आप उनको रेफ्रिजरेट ना करें। आप जो अंडे बच्चे निकालने के लिए स्टोर कर रहे हैं उनको आपने रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना, क्योंकि वो ज़्यादा ठंडे होकर उनकी फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है, और ना ही आपने उनको बहुत ज़्यादा गर्म क्लाइमेट में रखना है। कोशिश करें कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर हो जहाँ पे आप अंडों को स्टोर कर रहे हो। इसलिए ब्रीडिंग के लिए जो बेस्ट मौसम है बाहर का मौसम होता है, क्योंकि एक तो आप अंडे स्टोर भी प्रॉपर कर सकते हैं, और बच्चों के लिए जो उनके जो नए चिक्स जो नए चूज़े निकलते हैं उनके लिए भी सर्वाइव करना आसान होता है कि ज़्यादा गर्मी नहीं होती ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो बेस्ट सीज़न है वो आपका जो है वो बाहर का मौसम होता है, लेकिन आप बाकी जो सीजन्स हैं, जैसे मैंने अभी रिसेंटली ब्रीडिंग करवाई है और मैंने कोई प्लान नहीं किया था एक्चुअली, बाई चांस ही मैंने देखा कि एक जो मुर्गी है मेरी वो क्रुक है, और मेरे पास अंडे भी स्टोर हुए हुए थे फर्टिलाइज्ड एग्स, और मैंने कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की थी कि कौन सी ब्रीड के मैंने निकलवाने हैं। तो मैंने बस रैंडमली अंडे पिक किए, सेलेक्ट किए, उनमें जो थोड़े जो हेल्दी लग रहे थे मुझे साइज़ के हवाले से बड़े थे, और बाकी जो है वो फ्रेश एग्स आपने चूज़ करने हैं, तो वो मैंने उठा के जो है वो मुर्गी के नीचे रख दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 9 रखे थे अंडे और उनमें से मुझे 7 चिक्स जो है वो मिल गए हैं। तो अभी है वैसे यहाँ सावन का मौसम है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ये मैं कश्मीर में हूँ और टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, तो फ़िलहाल मेरे जो चूज़े हैं वो अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं कि आप इस सीज़न में ब्रीडिंग करवाएं, तो बेस्ट सीज़न मेरे हिसाब से जो है वो मार्च अप्रैल का सीज़न है, और या फिर सितंबर अक्टूबर का सीज़न होता है। और नाज़रीन, एक सस्टेनेबल फ्लॉक रेज करने के लिए जो पांचवा काम आपने करना है वो है आपने अपनी मुर्गियों की प्रॉपर वैक्सीनेशन करनी है। जैसा कि हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि मुर्गी में आने वाली ज़्यादातर बीमारियां वायरल होती हैं और उनका इलाज बाद में मुमकिन नहीं होता, और उनका जो बेस्ट इलाज है वो परहेज़ है और उनकी प्रिवेंशन है। इसलिए बेहतर है कि आप उनकी टाइमली वैक्सीनेशंस करें,
और ख़ास तौर पे जब आप नए चिक्स जो है वो आप ब्रीड करवा रहे हों, नए चिक्स आपके निकलें, तो 1 डे ओल्ड चिक्स की जो है वो वैक्सीनेशन की जाती है, वो आप ज़रूर करें। वैक्सीनेशन तमाम वायरल डिजीज़ की मौजूद है बाज़ार में, आसानी से आपको मिल जाएगी। लेकिन यह है कि आप तमाम वैक्सीनेशंस ना भी करें, सिर्फ वो वैक्सीन्स करें जो आपके इलाके में ज़्यादा बीमारी पाई जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ एनडी यानी कि रानीखेत सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी है, और मैं नॉर्मली अपनी चिक्स की सिर्फ एनडी की वैक्सीनेशन करता हूँ। लेकिन आप अपने इलाके में देखें कौन सी बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से आपके चूज़ों को ज़्यादा नुकसान पहुँचने का अंदेशा है, और उन तमाम बीमारी की वैक्सीनेशन ज़रूर करें। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। मेरी कोशिश है कि मैं बैकयार्ड चिकन के हवाले से हर पहलू को कवर करूं और हर पहलू के हवाले से वीडियो बनाऊं। इस हवाले से अगर आपकी कुछ सजेशंस हैं या अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी राय का इजहार करें। उसके अलावा आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जिनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ जाकर मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। चूँकि ईद का मौका है, तो मेरे तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से दिल्ली ईद उल अज़हा मुबारक। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। खुश रहें, खुश रखें, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें, और मुझे अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।